बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए अपनी औलाद के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे समद नाम के साथ, तेरे अजमत वाले नाम के साथ दुआ करती हूँ। ए रब्बे करीम, मेरी औलाद के अहवाल को दुरुस्त फरमा कर मुझ पर एहसान फरमाइए। या रब्बुल आलमीन, इनके ज़ाफ और मर्ज को कुव्वत और शफा में बदल दे। या रब्बे करीम, इनके बदन व कान व आँख व जान व आज़ा में आफियत पैदा फरमा। ए अल्लाह, अपनी रहमत से उनकी हर बला, गुनाह, गुमराही और गलतियों से हिफाजत फरमा। या रब्बे करीम, तू हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, तू ही मेहरबान है, तू ही रहीम है। या रब्बुल आलमीन, मैं अपनी औलाद को तेरी जमानत व अमानत में देती हूँ। ए वो अजीम ज़ात के जो तू अमानत को ज़ाया नहीं करता, मैं हर आफत व हर बुरी बीमारी और रात व दिन के शर और हासिद की आँख के शर से हिफाजत का सवाल करती हूँ। ए अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमाइए, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, गर्ज के हर तरफ से हमारी औलाद की हिफाजत फरमाइए। उन पर अपना रहम और करम फरमाइए, उनको नेक और साले बनाइए। ए अल्लाह, मेरी बस तुझसे यही इल्तिजा है, मेरी औलाद के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे और उसे अपना और अपने प्यारे हबीब का फरमा बरदार बना लीजिए। ए अल्लाह, उनकी आँख को महरम के देखने से, उनके दिल को ना महरम की मोहब्बत में मुब्तला होने से बचा लीजिए। ए अल्लाह, मेरी औलाद की मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल दे, उनके लिए दिलों को मुसख़र फरमा दे। ए अल्लाह, मेरी औलाद को दीन व इल्म व अखलाक और लोगों की मोहब्बत से हिस्सा अता फरमा। ए खालिक कायनात, इनकी तवानाइयों, सलाहियतों, औकात, माल व रिस्क में आपके दीन का हिस्सा हो, दीन के दुश्मनों का कोई हिस्सा ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिल की गहराइयों से ये दुआओं को हमारे कबूल फरमाइए, हमारे औलादों को नेक बनाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।